विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों और किसान भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में गौरव शर्मा। हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं, जिससे कि वे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं पशुपालन विभाग की पशुपालकों के हितार्थ लाभकारी योजनाओं के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आप सभी किसान भाइयों को दूरदर्शन परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए पूरे देश में राजस्थान बना मॉडल स्टेट, तारबंदी योजना के मापदंडों में दी गई शिथिलता, काले टमाटर की खेती बनी फायदे का सौदा, किसानों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन, और कृषि में महिलाओं का है महत्वपूर्ण योगदान। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप स्थापना के लिए 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन, डीजल चलित संयंत्रों अथवा अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होने की बजाय सौर पंप लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए पूरे देश में राज्य एक मॉडल प्रदेश बनकर उभरा है और देश में पहले पायदान पर है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों को इसके लिए 60% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 45,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान तथा जनजातीय उप योजना में अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 HP क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर 100% अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत 4 सालों में 57,000 से अधिक किसानों को 982 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत तारबंदी योजना क्रियान्वयन के मापदंडों में किसानों को शिथिलता प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तारबंदी योजना के क्रियान्वयन के मापदंडों में किसानों को शिथिलता प्रदान की गई है। अब किसान तारबंदी में 6 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल तार लगा सकेंगे। इसके साथ ही अब 10 फीट के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकेंगे। साथ ही 10वें पिलर के स्थान पर 15वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेत में खड़ी फसल की सुरक्षा करने में आसानी रहेगी। गौरतलब है कि किसानों को पशुओं से फसल की रक्षा करने के लिए कांटेदार तारों से तारबंदी करनी पड़ती है, लेकिन कुछ किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और नील गाय जंगली सूरों से सुरक्षित रखने के लिए ये योजना शुरू की है। किसानों को व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक तारबंदी किए जाने पर अनुदान दे होगा, लेकिन यदि खेत की परिधि 400 मीटर से अधिक है तो इसे स्वयं के स्तर पर खेत को सुरक्षित करना होगा। यूरोप के मार्केट में सुपरफूड कहे जाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर काले टमाटर की खेती अब भारत में भी शुरू हो चुकी है। देश में कई किसान खेती के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई फसलें उगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हजारों किसानों को सफलता मिली है, साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। ऐसी ही एक फसल है जिसकी देश में काफी मांग है और वो है काला टमाटर। मार्केट में इसकी अच्छी मांग है।
इस टमाटर की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। काले टमाटर की खेती भी लाल टमाटर की तरह ही की जाती है। इस किस्म के टमाटर की खेती के लिए गर्म जलवायु चाहिए। इसके लिए जमीन का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना जरूरी है। इसकी खेती की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इसे यूरोप के मार्केट में सुपर फूड कहा जाता है। काले टमाटर की बुवाई के लिए जनवरी का महीना सबसे सही रहता है। इस समय इसकी बुवाई करने पर मार्च अप्रैल तक आपको काले टमाटर की फसल मिलना शुरू हो जाती है। वहीं अगर इसकी लागत की बात करें तो काले टमाटर की खेती में सिर्फ बीज का पैसा अधिक लगता है। काले रंग और पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही इसमें औषधीय गुण भी लाल टमाटर के मुकाबले ज्यादा पाए जाते हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद के लिए राज्य सरकार कमजोर वर्ग के किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार जल्द ही किसानों को खास तोहफा देने जा रही है। सरकार कम लागत और कम समय में फसलों की निगरानी करने और रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए 2 साल में हायरिंग सेंटरों पर करीब 1,500 ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी। इसका लाभ कम आय वाले किसान ले सकेंगे, यानी ऐसे किसान जो एडवांस ड्रोन नहीं खरीद सकते उन्हें सरकार किराए पर इन्हें उपलब्ध करवाएगी, जिससे किसान अपनी उपज और आय बढ़ा सके। गौरतलब है कि अधिकांश किसान कीटनाशकों का छिड़काव या तो हाथ वाली मशीनों से या ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे की मदद से करते हैं, जिसमें कीटनाशकों का काफी हिस्सा हवा में उड़ जाता है। वहीं ड्रोन की मदद से किसानों को कम पानी और कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी का पता ड्रोन के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। फसल की सिंचाई पर निगरानी, कीड़ों का विश्लेषण, फसल खराबी का आकलन, टिड्डी नियंत्रण, रासायनिक छिड़काव ऐसे कार्य हैं जिन्हें ड्रोन के जरिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भरतपुर में कृषक महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर पीके राय ने कहा कि भारतीय कृषि महिलाओं के योगदान के बिना प्रगति नहीं कर सकते। भरतपुर में 5 दिवसीय कृषक महिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राय ने कहा कि कृषि में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि कृषक महिलाओं को भी कृषि की वैज्ञानिक तकनीकों की संपूर्ण जानकारी हो, जिससे वो परिवार में कृषि संबंधी निर्णयों और अपने खेतों पर वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि महिलाओं के योगदान के बिना प्रगति नहीं कर सकती। कृषि के कई कार्य जैसे निराई गुड़ाई, विरलीकरण, कटाई, मड़ाई, पशुपालन आदि तो महिलाओं द्वारा ही अधिकतर किया जा रहा है। महिलाओं की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई छोटे यंत्रों जैसे दोपहिया चलित वीडर, नवीन दराती आदि भी विकसित किए गए हैं, जिससे श्रम और समय की बचत होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को देश में राइस सरसों उत्पादन की स्थिति एवं वैज्ञानिक तकनीकों से इसका उत्पादन बढ़ाने, उन्नत किस्मों एवं बीज उत्पादन की तकनीक, शस्य क्रियाएं, पोषक तत्व प्रबंधन, जल प्रबंधन, कीट रोग के साथ ही मधुमक्खी पालन की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में किसानों सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई लेकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। अब चूंकि क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है पशुपालन विभाग की पशुपालकों के हितार्थ लाभकारी योजनाओं के बारे में, इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हमने आज आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा को। तो आइए कार्यक्रम में मिलवाते हैं आपको हमारे आज के विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, शुभकामनाएँ। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कानोता में कार्यरत हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो पशुपालन विभाग ने योजना कुछ आप लोगों के लाभ के लिए चला रखी है उसके बारे में किसी विशेष के बारे में विशेष बताऊँगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना चला रखी है नेप के नाम से, राष्ट्रीय कृषि कृत्रिम गर्भाधान योजना, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। इसमें किसान भाइयों की आय को दुगना करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। इसमें
केवल फ्री में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। किसी भी पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र पर जाकर अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपकी AI का काम फ्री में होगा। ये पशुपालक भाइयों के लिए अलग से आय को दोगुना करने के लिए चलाई गई है। इसमें पशुपालक भाइयों को क्या होता है कि कई बार पैसे के अभाव में पशु को कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशु को संस्था तक नहीं ले जाते हैं, तो सरकार ने आय को दोगुना करने के लिए ये योजना चलाई है और पूरे राजस्थान में ये योजना चल रही है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें एक बार, दो बार और अधिक से अधिक तीन बार तक पशु को फ्री में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। तो मेरी पशुपालक भाइयों से ये निवेदन है कि अपने पशुओं को समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं। जैसे ही पशु उठाव में या ताव में आता है उसके 12 से 15 घंटे बाद नज़दीक के संस्था पर लेके जाएं और उसमें कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करवाएं। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने, जो पशुधन विकास बोर्ड है पशुपालन विभाग का, उसके सहयोग से बीमा योजना भी पशुपालकों के लिए चालू की है। पिछले 4 से 5 वर्ष से बंद पड़ी हुई थी। पशुपालक भाई, किसान भाई इस योजना के अभाव में अपने पशुओं की मृत्यु होने पर उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था, इसलिए बड़े परेशान थे। तो राज्य सरकार के प्रयास से ये योजना पुनः चालू कर दी गई है। इसमें ST SC और BPL वर्ग के लिए 70% सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है और अदर के लिए, सामान्य के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है। इसमें पशु का बीमा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए होता है। इसमें जो प्रीमियम फिक्स की जाती है वो 1 साल के लिए लगभग 4.42% उसका प्रीमियम बनता है जो पशुपालक को दिया जाता है। इसमें 70% SC ST और BPL के लिए छूट है। 2 साल के लिए 7.90% प्रीमियम बनता है और 3 साल के लिए 10.85% प्रीमियम बनता है। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि जो भी पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अगर अपन मोटा मोटा तौर पर देखें तो एक पशुपालक को अगर 1 साल का बीमा कराता है और उसमें भैंस की कीमत रखी है ₹50,000 तक उसका बीमा हो जाता है। गाय की कीमत रखी है ₹40,000। ₹50,000 का 1 साल का प्रीमियम SC ST BPL के लिए ₹663 आता है, जबकि जनरल के लिए, अदर के लिए लगभग ₹1,105 का प्रीमियम बनता है। अगर इसी पशु का ₹50,000 की भैंस की बीमा कराते 2 साल के लिए तो इसका प्रीमियम बनता है ₹785 ST SC और BPL के लिए, और अगर जनरल में होता है वो तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ती है उसको ₹1,975। इसी तरह से अगर 3 साल का बीमा कराता है तो ST SC और BPL के लिए ₹1,628 उसकी प्रीमियम बनती है और 3 साल के लिए जनरल कास्ट के लिए ₹2,715 इसकी प्रीमियम लगभग बनती है। तो मेरा पशुपालक भाइयों से, किसान भाइयों से ये निवेदन है कि नज़दीकी संस्था में जाकर के पशुओं का बीमा कराएं। एक पशुपालक 5 पशुओं का, अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। इसमें भैंस का, गाय का, ऊँट का, भेड़ का, बकरियों का, सुअर का, घोड़ा, सभी का बीमा होता है। एक यूनिट भैंस की मानी जाती है, एक यूनिट गाय की मानी जाती है, अधिकतम 5 यूनिट का करा सकता है। इसी प्रकार से 10 भेड़ या 10 बकरी या 10 सुअर की एक यूनिट मानी जाती है। तो इस प्रकार से एक पशुपालक एक परिवार में से 5 यूनिट तक का बीमा करवा सकता है। बीमा करवाने के बाद में अगर पशु की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से या बीमारी से, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को और नज़दीक के पशु चिकित्सक को सूचना करनी पड़ती है, उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है और उसके क्लेम के लिए आवेदन किया जाता है और पशुपालक को जिसका बीमा होता है उसको उसका क्लेम या भुगतान कर दिया जाता है। तो ये मेरे पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। नेप योजना जो सरकार ने चला रखी है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना, उसका भी लाभ उठाएं। इसमें फ्री में AI होती है। इसके अलावा अभी सर्दियों का मौसम है तो पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने पशुओं को सर्दी से बचा के रखें। इस तरह से उसका रहने का आवास इस तरह से बनाएं
कि उसमें धूप का प्रवेश हो जाए, हवा का भी क्रॉस वेंटिलेशन हो। रात को बाड़े को टाट या बोरी से ढक दें जिससे उसमें हवा नहीं जाए। रात में कोई 1000 वाट का अधिक वाट का बल्ब लगा दें जिससे थोड़ी सी रोशनी बनी रहे। सफाई रखें, पानी भरने नहीं दें, गोबर को इकट्ठा नहीं होने दें, इससे थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है और ठंड लगने का संभावना पूरी पूरी पशुओं में बनी रहती है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि पशुओं का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करें और अपने जीवनचर्या को चलाएं। मेरा निवेदन है कि देखो, पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसमें लाभ लें अपन, नुकसान में नहीं, क्योंकि चारा बहुत महंगा हो रहा है। इस महंगे चारे में अगर किसी अपन पशु को वैसे ही खिलाते रहेंगे, पशु का प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो अपन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस व्यवसाय को इसको व्यवसाय के रूप में लें। ऐसा नहीं लें कि बस अपने पशु बांध दिए, 4 हैं 5 हैं 8 हैं, ये अपन को पता नहीं है। अपन को पूरा ध्यान रखना है कितना अपन इस पर खर्चा कर रहे हैं और कितना इसका अपन को प्रोडक्शन मिल रहा है। पशुपालक भाइयों, अपन को पशुपालन का जो व्यवसाय है इसको लाभकारी बनाना है। कई बार हम जाते हैं फील्ड में, देखते हैं तो किसान या पशुपालक पशु तो पालते हैं लेकिन उनसे पता लगता है कि ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी या आय नहीं हो रही है। उसका कई कारण हैं जिससे अपन को इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। आप लोगों को एक तो ये सुनिश्चित करना है कि कितने पशु अपन को पालने हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने 2 पाल लिए 4 पाल लिए 6 पाल लिए, एक फिक्स मात्रा करें। उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को अपने घर में फिक्स उसकी एक ड्यूटी लगाएं कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, किस टाइम इसका दूध निकालना है, किस टाइम इसको चारा चराना है, किस टाइम पानी पिलाना है, किस टाइम बाड़े की साफ सफाई करनी है। तो अगर आप इसको नियमित रूप से साफ सफाई रखेंगे, टाइम से चारा चराएंगे, बाँट डालेंगे पशु को, पानी पिलाएंगे और बीमारियों से सावधानी रखेंगे, बीमारी कोई भी जरा सा भी पशु अगर चारा छोड़ता है या जुगाली करना बंद करता है या उसके रोंगटे खड़े होते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है और तुरंत पशु चिकित्सक को बुला के इलाज करवाना है। अगर अपन इसमें ध्यान नहीं रखेंगे, अगर पशु एक टाइम या दो टाइम भी दूध नहीं देता है या कम देता है, तो अपन को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम से चारा चराएँ, टाइम से उसको पानी पिलाएँ। इसके अलावा जो भी पशु अनप्रोडक्टिव, जो उत्पादन नहीं देता है, उसका अपन को ध्यान रखना है। पशु को, गाय के बछड़े को 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर हीट में आ जाना चाहिए उम्र में, और भैंस की बछड़ी को 3 साल के अंदर अंदर हीट में आकर के उसको कंसीव हो जाना चाहिए। अगर इस टाइम नहीं होती है तो नज़दीक के पशु चिकित्सक को दिखाएं, उसका इलाज करवाएं। क्योंकि मान लो अगर पशु अपन का 4 या 5 साल तक हीट में नहीं आ रहा है और उसको अपन वैसे ही खिला रहे हैं, तो अपना खर्चा वैसे हो रहा है, अपन को कोई उससे आय नहीं हो रही है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि पशु 2 या 3 साल के बाद में हीट में आए और उसको कंसीव करवाएं अपन, जिससे उसको बछड़ा या बछड़ी पैदा हो जिससे वो दूध देने लगे। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्याने के बाद में 2 या 3 महीने के बाद उसको हीट में आ जाना चाहिए और उसकी AI या उसकी नेचुरल इंसेमिनेशन उसको करा लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा ड्राई पीरियड नहीं रहेगा। अगर पशु का ड्राई पीरियड अधिक रहता है तो अपन इसमें नुकसान में रहेंगे। और पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो अपने अच्छे पशुपालक हैं, इसके बारे में जानते हैं, अच्छे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो डेयरी का व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। ये व्यवसाय भी बहुत अच्छा है। इसमें एक साथ कम से कम 20 या 25 या 30 जानवर, गाय या भैंस एक साथ बांध सकते हैं। उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, मैन पावर 2 या 3 आदमी उसकी देखभाल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपका उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह की योजनाएँ भारत सरकार और केंद्र सरकार चला रही हैं, राज्य सरकार चला रही हैं, जिससे कि डेयरी उत्पादन को, डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले। इसमें लोन की सुविधा भी मिलती है, कोई पशुपालक अगर लोन लेना चाहता है तो लोन की व्यवस्था भी होती है। तो मेरा निवेदन है कि अपन का डेयरी व्यवसाय एक जगह सेलेक्ट करके कोई डेयरी फार्म बनाएं, वहाँ पर पूरी तरह से 25 या 30 अच्छे नस्ल के जानवर रखें, उनके लिए कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल इंसेमिनेशन की व्यवस्था करें, टाइम से उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सेल आउट करने की व्यवस्था करें, जिससे अपन को उसका अपना जो प्रोडक्शन है उसका ख़राब नहीं हो। उसका जो मैन्योर खाद वगैरह तैयार होता है उससे भी अपन कुछ तैयार करें, गायों से जो मूत्र वगैरह इकट्ठा होता है उसको भी अपन केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में ले सकते हैं। गायों के मूत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, काफ़ी दवाइयों के काम में आता है। इसके अलावा
अगर आप चाहें तो इसको फसलों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे फसलों के ऊपर तो कम से कम एक बार स्प्रे करने के बाद 10 से 15 20 दिन तक कोई कीटाणु नहीं लगते हैं, अपन को केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स नहीं डालने पड़ेंगे जो कि अपन के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह से गौमूत्र इकट्ठा करें, गायें पालें, गाय के दूध का आजकल बहुत ही उपयोगिता बढ़ती जा रही है, गाय के दूध से कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं और गाय का दूध सुपाच्य भी होता है, जिससे पशुपालक भाई जिसको भी गाय का दूध पिलाएंगे या बेचेंगे, जिसको भी देंगे, उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आजकल दिनों दिन गाय के दूध की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग बाग भैंस का दूध कम प्रेफर कर रहे हैं, गाय का दूध अच्छी कॉस्ट पर अच्छे महंगे उस पर लेने को तैयार रहते हैं, गाय का दूध मिलता नहीं है। देसी नस्ल की गाय पालें, आजकल गिर है, साहिवाल है, राठी है, इन गायों का बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है और अपन के जयपुर के आसपास भी काफ़ी अच्छी डेयरी हैं जिनमें 100 से 150 200 250 तक गायें रखते हैं, अच्छा उत्पादन किया जा रहा है। तो जो भी पशुपालक इस डेयरी व्यवसाय को खोलना चाहते हैं तो मेरी सलाह उनको ये है कि इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से करें तो इसमें बहुत अच्छा लाभ पशुपालक कमा रहा है, अपना नाम कमा रहा है। कई तरह की डेयरी फार्म हैं जिससे पशुपालक काफ़ी लाभ ले रहा है, क्योंकि डेयरी पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है इसमें रोज़ाना की अपन को आमदनी हो सकती है, जबकि कृषि से जो उत्पादन होता है रोज़ाना नहीं होता है, उसमें एक लिमिटेड टाइम पर निश्चित समय पर ही होता है, जबकि पशुओं से अपन को उत्पादन रोज़ाना होता है। तो मैंने जो आपको जो बातें बताई हैं इन बातों का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लें। अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे तो आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका खर्चा अच्छी तरह से चलेगा, आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा, ये मेरी आपसे निवेदन है। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप कार्यक्रम का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।